ये हंसते नहीं है ना ये है, मुस्कुराते हैं वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत बिल्कुल ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉर्ट में आ, मुझे बताएं कि क्या करना है वो भी भूल जाते हैं like... <laughs> <laughs> क्या करना है <coughs> <laughs> <laughs> हाँ अब बैठ जाओ जंप मारो ट्रक पे से फिर ऐसे किक मारो फिर जंप करो फिर ये करो फिर ऐसे पंच करो फिर गिर जाओ बस सिंपल दैट्स इज इंस्ट्रक्शन फॉर माई एक्शन बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर बट इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स एंड ही ये क्योंकि खुद एक्टर हैं तो ये एक्टर के परस्पेक्टिव से ऑलमोस्ट हर चीज को देखते हैं और एक्टर को बहुत संभाल के रखते हैं अपनी फिल्मों में It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing. Because, uh, like Sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there's no nonsense around it. There's no frill. There's no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So, I think, and the best thing about working with him as a director is that he's so technically sound he has so much understanding knowledge experience and you know a skill for being technically competent and being clear that he knows exactly what's to be done and he knows what is unnecessary that's a very very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required so he will not overshoot He He will not make you you overdo things, so you know and come over pamper me. me. didn't she's, even smile at me she's the always way. Pampered. <laughs> <She's> always pampered. pampered. 2D देखा है तो ऐसा रिस्पॉन्सकोर्स थ्री डी में हम देखने वाले हैं या जब ये आएगी audience डू यू everybody. मैं चाह रहा था कि सभी थ्री 3D में देखें uh, लेकिन uh, थोड़ा मेरा थ्री डी डिले हो गया फॉर द प्रोमो, सो दो दिन बाद रेडी होगा। काश मैं फिर से बुला के सबको दिखा सकता सर sure, आप बुलाओगे तो पहले से पहले आ जाएंगे यहाँ पे सब लोग अभी इसमें ही धड़कने बाहर आ गए दिल बाहर आ रहा था उसमें तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी पता नहीं थ्री में आ जाती तो दिस इज फैबुलस यू एंड ये थोड़ा सा प्लीज uh, thought, जो बोला की लुक है वो थोड़ी आज कैरी फॉरवर्ड कर लूट

इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हाप करना है डायरेक्टिंग दिस दिस मूवी मूवी एक्टिंग इन नहीं आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है एवरी फिल्म मेकर नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है और uh, कुछ चीज़ें सही पड़ती हैं कुछ चीज़ें गलत पड़ती हैं uh, तो यू कॉन्सनट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट एवरी एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिसपे आपको हाप करना है सो so, इट it's basically i think filmmaking is about storytelling agar so you have to concentrate on storytelling and everything else falls into place subscribe to midday india get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon